हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं, जो प्राइवेट से हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपके सेमेस्टर में भी हो तो उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो आप अपना सिलेबस देखिए, अगर ये चैप्टर आपको सिलेबस है सेमेस्टर है प्राइवेट अगर मेरे, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो आर यू विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सॉलिटरी रिपर है ना चैप्टर, उसका आप लोगों को मैं समरी इंट्रोडक्शन और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, जो अभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बता रही हूँ यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ का समरी दिया हुआ है समरी, और इसका जो आंसर इस प्रकार से है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर स्टेंजा फर्स्ट करके दिया है, स्टेंजा सेकंड करके और थर्ड करके दिया हुआ है, फोर्थ करके, ठीक। ये समरी है इसमें का, यहाँ से फिर अगला है हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो से अपना तैयारी कीजिए, आप मानिएगा, है ना, कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ सॉलिटरी रिपर। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और उसके बाद सॉर्च करके दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर के बारे में दिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग है, इस प्रकार से इसका आंसर है। फिर अगला जो पॉइंट वो है देम ऑफ द सॉलिट्यूड के बारे में दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से है। फिर अगला जो पॉइंट है इसमें वो है कॉमुनियन बिटवीन मैन एंड नेचर के बारे में दिया है, ठीक, और इस प्रकार से उसका आंसर है। फिर अगला जो आपका पॉइंट है वो है रोमांटिक इमेजिनेशंस के बारे में दिया है और उसका आंसर इस प्रकार से है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है नोट ऑफ द मेलन चौली के बारे में दिया हुआ है, जो आंसर इस प्रकार से है। इस मेलन चौली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा और इस पर भी आगे एक क्वेश्चन उसको ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। फिर अगला पॉइंट है लैंग्वेज एंड इमेजरी के बारे में दिया हुआ है और इसका आंसर इस प्रकार से है। फिर इसका जो लास्ट आपका क्वेश्चन आंसर है वो है कंक्लूजन। मैं लगभग सारे वीडियो में बोलती हूँ कि जितने भी आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो उसमें दो चीज़ हमेशा याद रखना, एक तो इंट्रोडक्शन लिखना मत भूलना और दूसरा कंक्लूजन लिखना। ये दोनों काफ़ी आपको जो क्वेश्चन आंसर चेक करता है उसको काफ़ी प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है और अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है, प्रभावित करता है यह, इसलिए दोनों को हमेशा लिखना है। इसीलिए आप उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, बीच के तो आप फेंक कर लिख सकते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को विशेष तैयारी कीजिए, ये काफ़ी अच्छा नंबर दिलाने में आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक। फिर अगला देखिए, सी वास अ फैंटम ऑफ डिलाइट, अभी आप लोग बताए थे कि काफ़ी यूजफुल है, ये आता ही है, इसे घुमाकर पूछा ही जाता है, उसी पर यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ वर्ड्सवर्थ सी वास अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ठीक है। इसका आंसर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, द डेवलपमेंट ऑफ थॉट के बारे में दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इस प्रकार से। फिर है डोमेस्टिक वेट्यूस के बारे में दिया हुआ है, फिर आगे देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से इसका आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बिल्कुल इसको तैयारी कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, और आप लोग को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसे कमेंट कीजिएगा, मैं हेल्प करने की पूरी जो है कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।